नमस्कार, मैं हूं आशीष शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। आज हम सीतापुर के लहरपुर नगर पालिका परिषद क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां पर वार्ड नंबर 2 से आम आदमी पार्टी से सभासद पद की प्रत्याशी नाजिया जी के पति हमारे साथ मौजूद हैं, शादाब आलम जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि निकाय चुनाव को लेकर के उनकी क्या तैयारियाँ चल रही हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 9 लाइव टीवी पर। शुक्रिया जो मुझे आज बोलने का मौका मिला आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, न्यूज़ 9 लाइव टीवी के माध्यम से। सदाब जी, ये बताइए कि निकाय चुनाव जब से स्टार्ट हुआ है तब से आपकी पत्नी डोर टू डोर कंपेनिंग कर रही होंगी, किन मुद्दों के साथ में वो पब्लिक के बीच में जा रही हैं और पब्लिक का क्या आश्वासन मिल रहा है? बस हमारा एक ही मुद्दा है कि भ्रष्टाचार ख़त्म करना। जो भी कॉलोनी आ रही थी पिछले जो भी सभासद रहे उन लोगों ने बहुत ही घोटाले करे, उन कॉलोनियों पे वो लोग 20 से 25-30 हज़ार रुपये ले रहे थे। ये मैं खुल के कह रहा हूँ कि कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अगर राशन कार्ड बन रहा है उस पर 500 रुपये लग रहे हैं तो 500-600 लिए जाएंगे, 3-4 हज़ार रुपये अभी तक लिए जा रहे थे। साफ सफाई का माहौल दुरुस्त नहीं था, वो पूरे वार्ड में एकदम बढ़िया किया जाएगा, बस यही मुद्दे हमारे हैं। हमारा अगला प्रश्न आपसे ये है कि पब्लिक के बीच में जब आप लोग जा रहे हैं कंपेनिंग करने के लिए तो वहाँ से क्या आश्वासन मिल रहा है पब्लिक का? हमारा चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, ये हमारी वार्ड की जनता ही लड़ रही है कि वही मतलब हम लोगों को अपने बीच लेके आई है और हमको पूरी उम्मीद है कि जनता लहरपुर में 2500 वार्ड में सबसे ज़्यादा लंबी लीड से जिता के हमको नगर पालिका भेजने का काम करेगी। चुनाव आ गया है तो सभी दल भी मैदान में हैं, सभी प्रत्याशी भी मैदान में, ऐसे में जनता सिर्फ आपको ही क्यों चुने? क्योंकि इससे पहले जितने भी उन्होंने प्रत्याशी चुने वो लोग ना उन लोगों ने सफाई करी ना किसी का काम किया, बस जीतने के बाद अपने काम से मतलब रखा, मतलब जनता को कोई भी उन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। अगर किसी की ज़रूरत है, अगर किसी को विधवा पेंशन की ज़रूरत है जो हकदार है इस चीज़ का उसको नहीं मिल पा रहा, जो राशन कार्ड का हकदार है उसको नहीं मिल पा रहा, टाइम पे किसी का काम नहीं हो पा रहा, जिसके वहाँ शादी ब्याह पड़ रहे हैं उसके वहाँ सफाई नहीं हो पा रही, बस यही हो रहा। मैं इसीलिए उसी पार्टी से आया हूँ, झाड़ू आम आदमी पार्टी से, कि इसी पार्टी ने दिल्ली में सब कचरा साफ किया है। तो यही मुद्दा हमारा है कि जिस तरीके से दिल्ली में भ्रष्टाचार ख़त्म किया उसी तरीके से मैं अपने वार्ड का जो भी भ्रष्टाचार है वो ख़त्म करूंगा और पूरी सफाई व्यवस्था बढ़िया रखूंगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने वोटर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं कि मैं मतलब वो लोग तो सबको हर बार देख ही चुके हैं, एक बार हमको भी देख लें और दोबारा मैं चुनाव अगर मैं जीतता हूँ, मैं नगर पालिका पहुँचता हूँ, दोबारा चुनाव मैं तभी लड़ूंगा जब दोबारा जनता मुझसे खुद आके कहेगी कि आप चुनाव लड़ो, वरना मैंने तो सोच रखा कि एक ही बार मैं चुनाव लड़ूंगा, सिर्फ बस एक ही हमको चुनाव लड़ना। तो ये थे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे शादाब आलम जी, जिनकी पत्नी लहरपुर के वार्ड नंबर 2 से सभासद पद की प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी से। तो फिलहाल के लिए आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन ललित के साथ में मैं आशीष शर्मा, न्यूज़ 9 लाइव टीवी टीम, सीतापुर।